अभी मैं इस पर मौजूद हूँ महात्मा गांधी हाई स्कूल में, यहाँ पे वोटिंग हो रहा है, ये वार्ड नंबर 75 है। आइए कुछ वोटर से जानते हैं कि ये अभी वोट दे के निकली है, शांतिपूर्ण वोट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले नाम? मेरा नाम सोनी आला है, मैं 75 नंबर वार्ड में रहती हूँ, 30 नंबर बूथ है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से ही वोट दिया जा रहा है, सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी ऐसा उल्टा फुल्टा कुछ काम नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से वोट दिया जा रहा है। मैं भी यहीं का वोटर हूँ, मैं भी थोड़ी देर पहले वोट दे के आया, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का सिस्टम, एकदम शांतिपूर्ण वोट हो रहा है, जिसमें कोई झूठ झमेला नहीं है, कोई भी आके इजीली वोट, पब्लिक जो है अपना वोटर आईडी लेके, इसी हिसाब से वोट होना चाहिए, होना चाहिए एक्चुअली में, इसी हिसाब से होना चाहिए और इसी हिसाब से हो भी रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से वोट हो रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी तरह से पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी तरह से सबका सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर घुसते ही सैनिटाइज दिया जा रहा है, हाथ में ग्लव्स दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से सबको सपोर्ट किया जा रहा है। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद। युवा वोटर हैं, इनसे जानते हैं, ये नाम आपका? राजा कुमार गुप्ता। कैसा हो रहा है वोट? वोट बहुत ही शांति तरीका से हो रहा है, अच्छा तरीका से वोट हो रहा है, सभी चीज़ मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पे, देख के तो आप लोग, नहीं नहीं सर कोई असुविधा नहीं। पहले सुना जाता था वोट के समय बहुत सारी धांधली हो रही है, बहुत दिक्कत होता था, वोट देने नहीं मिलता था। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूरे शांतिपूर्ण ढंग से वोट हो रहा है, आप तो देख ही रहे होंगे, आप भी यहाँ कवरेज ले रहे हैं तो पूरा शांतिपूर्ण ढंग से वोट हो रहा है। आपका भी? हाँ एकदम शांतिपूर्ण वोट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम ज़्यादातर हम लोग का यंगस्टर लोग के लिए अच्छा हुआ है, इतना बेहतरीन तरीके से पब्लिक आराम से आ रहा, वोट दे रहा, जा रहा, जैसे पहले बहुत लंबा लंबा लाइन लगा हुआ रहता था, उस तरह से यहाँ कुछ नहीं है इस बार, आप आइए 2-5 मिनट के अंदर वोट दीजिए और जाइए, क्योंकि इस बार पार्ट डिवाइड हो गया है इसीलिए कोविड के चलते, जिसमें हो गया है, हाँ इसीलिए पहले जैसे एक ही जगह बहुत जन आता था, अब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, बूथ कर दिया गया जिसमें है, जिसमें आसानी से आदमी वोट दे सके, जल्दी जल्दी जा सके, इतना धूप में कैसे आदमी खड़ा रहे, फिर भी तो आ रहा, सब दे रहा है वोट, अच्छा ही है। ठीक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू। युवा वोटर भी हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम? राकेश भारती। वोट कैसा हो रहा है अंदर? वोट तो शांति से हो ही हो रहा, कोई असुविधा नहीं? ना किसी तरह से? ना ना कोई असुविधा नहीं, जैसे पहले जैसे सुना जाता था चुनाव में बहुत सारी धांधली हो रही है, पहले होता था, अभी तो शांति से हो रहा है, एकदम एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। ओके भैया, थैंक यू। हां चाची, हां मीरा राय। कहां से हैं आप? हम न्यू टाउन, यहीं से, बस्ती से ही हैं, इसी वार्ड में, यही वार्ड से। तो वोट कैसा हो रहा है? वो शांति से हुआ, कोई असुविधा नहीं हुआ, एकदम शांति से। जैसे पहले कई बार होता था कि अभी बहुत शांति से हो रहा, तभी भी अच्छा से हुआ, अभी भी अच्छा से हुआ, ठीक, यही जानना था, थैंक यू। आइए कुछ और वोटर हैं, इनसे जानते हैं वोट किस तरह से दिए हैं और वोट का माहौल क्या है अंदर का। सबसे पहले नाम? नाम मोहम्मद रियाज। वोट तो बहुत बढ़िया से हो रहा है और वोट का भी माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत शांतिपूर्वक से हो रही है। आप भाभी जी, किसी तरह का कोई असुविधा नहीं? कोई चीज़ का असुविधा नहीं है। आप कितना नंबर वार्ड के हैं? 75। तो शांतिपूर्ण वोट हुआ है? हाँ, पूरा शांति, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की? कोई जाली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने इसी तरह का वोट की हम लोग कामना करते हैं कि हर बार जब भी वोट हो तो इसी तरह से हो, हाँ जब भी वोट हो इसी तरह शांतिपूर्वक से हो, लोग आए आराम से अपना वोट दे और आराम से जाए। ठीक है भैया, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद। अभी तक हम लोग मौजूद थे 75 नंबर वार्ड के महात्मा गांधी हाई स्कूल में, यहाँ जैसे कि आप लोगों ने जाना पब्लिक ओपिनियन, वोट शांतिपूर्ण हो रहा है, किसी तरह की कोई धांधली नहीं है, शांतिपूर्वक वोट हुआ है। अब यहाँ से चलते हैं किसी और वार्ड में, आइए जानते हैं वहाँ का क्या हाल है। गुरुते हमारा चले 57 नंबर वार्ड है बालतोड़िया, आसन किसी मानूस आज एखानकार वोटर आज नैनी वोट बेपार्ट इनका जेने नी आसन सर सब ठीक है। अपना नाम? हमारे मृत्युंजय मुखर्जी। अपना एखानकार वोटर? एखानकार वोट 7 नंबर वार्ड बालतोड़िया। तो वोट की भावे होच्छे? वोट खूब सुंदर होच्छे, कोनो रकम झमेला नहीं, शांति श्रृंखला बजाय कि আপনারা সব দেখতেই পাচ্ছেন, ওইটা তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কেবার ভোট যেরকম হচ্ছে খুব শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে, কোথাও বেশি লাইনও দরকার নেই, তাড়াতাড়ি ভোটগুলো হয়ে যাচ্ছে, যে মানুষ আসছে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হচ্ছে না, আসলে সঙ্গে সঙ্গে হয়। ঠিক আছে দাদা, আপনাদের সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো, থ্যাংক ইউ। আসুন আরও কিছু ভোটার দিয়ে জেনে নিই। হ্যাঁ আসুন, পেয়ে গেছি এক দাদাকে, এই ভোট দিয়ে বেরিয়েছেন, আসুন জেনে নিই। সব ঠিক আছে দাদা? নাম দীপঙ্কর বাউরি।
খুব ভালোভাবে ভোট হলো, খুব শান্তি শৃঙ্খলাতেই হচ্ছে। এরকমই ভোট দরকার, এরকম আমাদের গ্রামের মধ্যে এরকমই হয়, পরিষ্কারই হয়, কোনো ঝুট ঝামেলা হয় না। আমি যতগুলো আমরা দেখছি সব জায়গায় শান্তিভাবেই ভোটগুলো হয়েছে, আর এরকমই দরকার। ঠিক আছে, তো সব কী বলতে চাই যে মানুষকে যে সব আস কী বলো, মানুষ ভালোভাবে ভোট দেয়, সবাই ভালো, সবই ভালো থাকবে। আমরা এই বলতে চাইছি সুস্থভাবে ভোট হচ্ছে, সব মানুষকে বলছি এটা আপনার অধিকার, আর এইগুলো বাড়ি থেকে, হ্যাঁ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভোটটা দিন, এটা আপনার সবারই অধিকার। হ্যাঁ, পেয়ে গেছি একটা ফুল ফ্যামিলিকে ভোট দিয়ে বেরিয়েছে, যার মধ্যে একজন আছেন ফার্স্ট ভোটার, এই বছর মানে প্রথমবার ভোট দিয়েছেন। আসুন ওনার কাছে ওনার আলোচনাটা একটু জেনে নিই। সবথেকে আগে নাম কঙ্কনা দাস। কঙ্কনা দাস, তো প্রথম বছর ভোট দিয়ে কেমন লাগলো? ভালোই লাগলো, এটা দেওয়া উচিত সবাইকে, কম্পালসরি হয়ে যায়। আর এটা কি ভেবে চিন্তা করে দেওয়া হয়েছে? এখন তো তুমি মানে স্টুডেন্ট, হ্যাঁ, তো কি ফিউচার প্ল্যানিং আছে, কি ভেবে চিন্তা করে তুমি এই ভোটটা দিলে? দেখছি যে দেশটা কিভাবে চলছে, ওইসব দেখে যেটা আমার মতে ঠিক লেগেছে, যার তাকেই ভোট দিয়েছি। ওটা সত্যি কথা, ওইগুলো আমরাও জিজ্ঞেস করবো না, ওইটা আপনার অধিকার, আপনি যার ইচ্ছা তাকে দিতে পারেন, ওইগুলো আমরা জিজ্ঞেস করবো না আপনাকে। শুধু আপনার মতটা এই জানতে চাইছি, মানে কেমন লেগেছে প্রথম ভোটার? হ্যাঁ, ভালো লেগেছে, যে মানে একটা ভ্যালুয়েবল সিটিজেন হিসেবে বোধ করছি নিজেকে। হ্যাঁ, ইয়েস, ঠিক আছে, কথা বলতে খুব ভালো লাগলো, ধন্যবাদ। হ্যাঁ কাকু, আপনি বলুন ভোট কিভাবে হয়েছে? খুব ভালো হয়েছে, কোনো ঝুট ঝামেলা নেই? না, কোনো ঝামেলা নেই, শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। আর এবারে মানে এইরকম ভোট কখনো আগে দেখেছিলেন? এত শান্তিভাবে ভোট? না, এর আগের ভোটে তো ঝামেলা হয়েছে, কিন্তু এইবার খুব পরিষ্কার ঝামেলা হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু এই ভোটটা আমরা যতটা ঘুরে দেখছি এরকম শান্তি না পাইনি, পাইনি পাইনি এর আগে পাইনি। হ্যাঁ, এরকমই ভোটের দরকার, দরকার এমনি ভোট যে হোক, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো কাকু, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।